आखिर क्यों मां लक्ष्मी जी स्वयं चार मीनार के पास गए थे? हैदराबाद, हैदराबाद में चार मीनार फेमस है ये सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है चार मीनार के पास जो भाग्य लक्ष्मी मंदिर है वो क्यों फेमस है? आखिर चार मीनार के पास ये मंदिर कैसे आया? ये रहस्यमय कहानी आज इस वीडियो में हम देखेंगे। सो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मेरा वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक करना भूल जाते हो। बात ऐसा है, आपकी एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा चैनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप एक छोटा सा लाइक कर दीजिए और वीडियो आपको जैसा भी लगा हो एक छोटा सा कमेंट दीजिए ताकि मैं मेरा चैनल को इम्प्रूव कर सकूं। धन्यवाद। तो चलो बिना लेट किए वीडियो को शुरू करते हैं। कहा जाता है ये जो कहानी है राजा महाराजाओं की समय की कहानी है। तब चार मीनार बन के तैयार हो गया था। उसकी कुछ साल के बाद वहाँ एक महिला आके पहुँचती है। देखने में वो महिला सामान्य महिला जैसे नहीं दिखती थी। उनके शरीर में पूरा का पूरा सोने का गहना था और उनके शरीर से एक उज्जवल सी रोशनी आती थी। देखने में ऐसी लगती थी जैसे कि वो स्वर्गलोक से आई हो। जब राजा जी के पहरेदार उस महिला से पूछते हैं कि माता आप कौन हो, आपका नाम क्या है और आप यहाँ क्यों आए हो, तब वो महिला उत्तर देती हैं, मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं आपके राजा से मिलने आई हूँ और उनसे इतना ही कहना था कि मैं ये राज्य छोड़ के जा रही हूँ। ये बात सुन के पहरेदार कहते हैं, माते आप यही रुकिए, मैं राजा जी से मिलके आता हूँ, मैं जब तक ना आऊँ तब तक आप यहाँ से नहीं जाएंगे। तब वो महिला कहती हैं, ठीक है, आप जब तक नहीं आओगे तब तक यहाँ से मैं नहीं जाऊँगी, ये मेरा वचन है। फिर वो पहरेदार अपने राजा के पास जाके पूरी कहानी बताते हैं। पूरी कहानी सुनने के बाद राजा के मन में एक संकोच पैदा होता है और वो जब चार मीनार के ऊपर से नीचे खड़ी हुई महिला को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं ये कोई आम महिला नहीं है, ये स्वयं माता श्री लक्ष्मी जी हैं। राजा ने फिर पूछते हैं उस पहरेदार से, उस महिला ने आपसे और क्या क्या कहा? पहरेदार कहते हैं, प्रभु उस महिला ने हमें वचन दी है जब तक हम जाके उनसे ना मिले तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगी। ये सुन के राजा सोच में पड़ जाते हैं। ये सोचते हैं अगर वो जाके उस महिला से मिलते हैं तो लक्ष्मी जी ये राज्य छोड़ के चली जाएंगी। अगर लक्ष्मी जी ये राज्य छोड़ के जाते हैं तो राज्य का तो अंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ये सोच के राजा ने उस पहरेदार को वो महिला से नहीं मिलाया और खुद वो एक गुप्त मार्ग से अपने महल चले गए। बहुत लोग कहते हैं कि उस पहरेदार को मार दिया गया और बहुत लोग ये कहते हैं उस पहरेदार को ऊपर ही कहीं छुपा दिया गया। माता लक्ष्मी जी ने अपने वचन के वजह से अब तक चार मीनार के पास एक स्वयंभू मूर्ति बन के वैसे ही खड़े रहे। यही है वो मंदिर और यही है वो मूर्ति आप जो देख रहे हो। दोस्तों, ये रहा चार मीनार के पास जो भाग्य लक्ष्मी मंदिर है उसके पीछे की रहस्यमय कहानी। ये कहानी जो है मंदिर के पास जो लोकल लोग हैं उनसे मैं कलेक्ट करके आपको बताया हूँ। अगर आपको इसके बारे में और भी अच्छा नॉलेज है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को क्लिक कर दीजिए ऑल पे। लाइक नहीं हुआ है तो लाइक एक छोटा सा कर दीजिए। आपका मन में जैसा भी हो आप एक छोटा सा कमेंट दे सकते हो, जो भी दीजिए लेकिन जरूर दीजिए, लाइक मेन आना चाहिए। धन्यवाद।